माँ से मस्त गालियां पड़ रही हैं, मस्त एकदम दबा दबा के गालियां पड़ रही है, और कुछों को हम मैं रिव्यू पे हटा रहा हूँ, कुछों को कर रहा हूँ चल ठीक है दे दे यार कोई बात नहीं। अब आप बोलोगे भाई ऐसा है क्या, आप अपने तो क्या है ना गिने चुने कमेंट्स होते हैं हमारे, तो कुछ बहुत ज्यादा तो होते नहीं, तो हमारे फिल्टर भी हो जाते हैं आसानी से। और आप बोलोगे भाई ऐसा जुर्म क्या है, अब जुर्म ये है कि भाई बिना किसी फैन फीलिंग के किसी मूवी के बारे में अपना रॉ और ऑनेस्ट ओपिनियन रख दिया। अब देखो जब मूवी देख लेते हैं किसी भी चीज को हम एनालिसिस में डालते हैं तो दो तरीके के ओपिनियन होते हैं, एक तो रॉ और ऑनेस्ट दे दो जैसा लग रहा है वैसा विदाउट फिल्टर दे दो, एक थोड़ा शुगर कोट करके दे दो, थोड़ा नमक लगा के दे दो, और इस तरीके से कि जो उनको प्यार करते हैं उनको बहुत ज्यादा बुरा ना लगे। अब भाई हमारी गलती मेरी गलती इतनी कि मैं ये वाले ग्रुप में नहीं हूँ, सेकंड वाले में, मैं हूँ फर्स्ट वाले ग्रुप में, और शायद इसी के लिए मैं यूट्यूब पे आया था, तो इसीलिए लोगों को लगता है कि यार अरे यार ऐसे कैसे बोल रहा है वैसे। और भाई तो दूसरी चीज भाई मुझे कमेंट में ये भी आ गया भाई तेरा चैनल स्ट्राइक करवाते हैं, भाई स्ट्राइक का कौन सा चैनल हटा दिया मैंने, मैंने कहा भाई एक तो मेरा चैनल इतना कोई बड़ा है नहीं जो तू स्ट्राइक करवा के तेरा कुछ अचीव हो गया बहुत लाखों करोड़ों लोगों तक जा रहा है, और दूसरी बात मैंने कहा भाई ये सही धमकी मिल रही है यार कमेंट सेक्शन में, भाई स्ट्राइक करके हटा देंगे। ठीक है भाई तुम मतलब मार्टिन वालों से सही अपना इंस्पिरेशन ले रहे हो। और भाई एक बात बताओ यार बॉलीवुड की कोई पिक्चर होती है बता दो, अभी पीछे सिंघम अगेन और भूलभुलैया आई है भाई, कसम से जितना फीडबैक्स, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि चारों को ओवर एनालिसिस पे ही डाल देते हैं बॉलीवुड वालों को, इतना ज्यादा थोड़ा कई बार स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, बट ऐसा ना लिखा है कि साउथ की मूवी के साथ हम कुछ क्रिटिसिज्म या अपना फीडबैक या अपने ही स्टाइल में जो लोगों को बॉलीवुड की मूवीज में अच्छा लगता है वो हम साउथ की मूवीज के लिए कर नहीं सकते। भैया वी आर हेयर फॉर इंडियन सिनेमा ब्रो, वी आर नॉट हेयर टू टेक अ साइड वो बायस ओपिनियन और या किसी को हेट की तरफ ले चलो। देखो ना हेट ना लव, अब इंडियन सिनेमा की बात हो रही है। सो लकीली पास्ट एक दो डेढ़ साल में जब से मेरा चैनल हुआ है सो बॉलीवुड मूवीज साउथ मूवीज आर डूइंग गुड, तो मैं बोल रहा था मैं अप्रिशिएट कर रहा था एफर्ट्स को। अगर अभी कंगुआ जो आज रिलीज हुई सूर्या साहब की, भाई अगर नहीं सही लगी तो भाई नहीं सही लगी, भाई नहीं है आपको जहां पे सुनने को सही मिल रहा है आप वहां चले जाओ, मेरी बात सुनो यार, इतनी बेहतरीन स्क्रिप्ट, इतने बेहतरीन एक्टर सूर्या साहब, रोलेक्स साहब, हमारे बॉबी देओल साहब, और एक इंपैक्टफुल स्क्रिप्ट जो अगर सुनने में नॉट ऑन पेपर नहीं मतलब सुनाऊं अगर मैं आपको वो स्क्रिप्ट, दैट कैन बी एन इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट, अगर डायरेक्टर साहब उसको उस दिशा में नहीं ले जा पाएंगे और मात्र चिल्ला चिल्ला के तेज तेज आवाज करके और करेक्टर्स को थोड़ा सा मेकअप करके ऐसे करके आपको डराने की कोशिश करेंगे तो जो मैं बोल रहा हूं आप में और मेरे में फर्क इतना ही है कि मेरे पास चैनल है मैं बोल पा रहा हूं, सोचोगे आप भी वही। अब ये तो फैंस को भी सोच रहा है ना सूर्या के कि भाई देखो भाई सूर्या इज वन ऑफ दोज एक्टर्स जहां पे मेरे को ना सच में मतलब लग रहा था अंदर से कि यार ये वो दो ढाई साल बाद आ रहे हैं, आओ भाई कम बैक करो भाई मैदान में आओ। वैसे भी देखो तमिल सिनेमा का ना हाल कुछ बहुत सही चल नहीं रहा है, और मैं आपको बींग दिल्ली बता सकता हूँ, बींग दिल्ली गाय की जो हम बड़े होते थे ना हमारे लिए पैन इंडिया का मतलब सिर्फ शंकर होता था टाइम पे, अपरिचित, रोबोट और वो सब कॉन्सेप्ट, इनफैक्ट नायक, पता नहीं कितनों को पता है नायक भी शंकर साहब की थी जो अनिल कपूर के साथ बनी थी, तो अब वो तो फ्लेवर एकदम गायब ही हो गया। अमरन मूवी आई थी सल्यूट, क्या मूवी थी तमिल सिनेमा से, और भर के प्यार मिला था, मगर अगर इस तरीके का क्रिंज सिनेमा आएगा और अभी इंडियन 2 आई यार तो टोटली डिसअपॉइंटेड है। देखो हम हर इंडस्ट्री से अच्छी मूवीज देखते हैं, तेलुगु से, सैंडलवुड से, मलयालम मूवी तो खैर अलग ही बात हो गई, मगर तमिल सिनेमा इज नॉट एबल टू रिवाइव। मैं बोल देता हूं तो ये बात, अरे नहीं भाई नहीं, अरे भाई सूर्य हमें पता है सूर्या ने वो मूवीज करी हुई है, गजनी करी हुई है जो रीमेक हुई है हिंदी में, हमें पता है हम बहुत बार बोल चुके हैं, मगर अगर कुछ चीज अच्छी नहीं लगी तो वो भी तो बोलने दो मेरे भाई। कहां से कॉन्सेप्ट उठा के आप वो गोवा वाले सीन, भाई साहब को इतनी बढ़िया एक्टर को तुमने, रोलेक्स को क्या लग रहे थे सूर्या साहब, गोवा वाले पहले 20-25-30 मिनट के सीन क्रिंज थे कि नहीं थे, बोलने में बोलो तो बुरा लग जाता भाई, गलत हो जाते हैं। और सब एक सब्सक्राइबर लिख रहा है भाई मैं तो अब चैनल शेयर कर रहा हूं तुम्हारे सब्सक्राइबर वो करवाएंगे, मैंने कहा भाई तू करवा जाके जा पहले, मतलब बात बोलो हम तुम पहले धमकी यार भाई थोड़ा सोचो, बंदा जो बोल रहा है ऐसा कोई यहाँ पे वो थोड़ी चल रहा है, ना मुझे पैसे मिले ना मैंने किसी के पैसे देने हैं मेरे भाई, पैसे अगर मुझे 1,00,000 रुपए भी मिल जाते ना तो भी मैं शायद कंगुआ मूवी को ना भाई 3-2.5 स्टार से ऊपर 3 स्टार, तो 1,00,000 तो खैर बहुत ज्यादा हो गए, मतलब 10-15,000 रुपए तो भी मैं नहीं दे पाता, मतलब मोटे मोटे मुद्दे की बात है, और बुरा लगता है तमिल सिनेमा के लिए, बुरा लगता है वेटरन शंकर के लिए, बुरा लगता है सूर्य जैसे एक्ट्रेस के लिए, तो और खुशी भी होती है जब ये लोग बाउंस बैक करते हैं, बट इस तरीके से नहीं भाई, ये सिनेमा नहीं जमता है भाई, आप पैन मत बनाओ पैन इंडिया, हम तो अब तो डब भी देख लेते हैं, मैं तो देख लेता हूं डब,
मत बनाओ पैन इंडिया, जरूर थोड़ी पैन इंडिया के चक्कर में बॉबी देओल को ले लिया यार, जस्टिफिकेशन तो करो यार रोल के साथ यार, इतना बुरा लगा मुझे बॉबी के लिए भी। एंड ही इज टेकिंग सो मच ऑफ एनर्जी विद हिम पास्ट ईयर बॉबी देओल, ऐसे नहीं उसका तो भाई पता नहीं, आई एम नॉट श्योर कि किस तरीके का सिनेमा। और भैया सलामी है यूट्यूब चैनल्स को, नाम ले लूंगा मैं, कभी लेता भी नहीं हूं नाम, 1 लाख वाले भी हैं, 1.5 लाख वाले भी हैं, 2 लाख, भाई तुम जनता का बना रहे हो भाई, फेक कर रहे हो, तुमने मूवी देखी है देखी है मुझे नहीं पता, कैसे आप 4 स्टार बोल रहे हो यार मतलब। और जनता ठीक है वो सक्सेसफुल भी है, मतलब हमारे जैसे सक्सेसफुल नहीं है भाई, वही सक्सेसफुल है भाई यार, 4 4 स्टार कैसे दे सकते हो भाई, टोटल फेक। मैं कहता हूं अगर मैं देख रहा हूं ना कोई वीडियो दोस्तों, तो मैं तो क्लियरली अंदाजा लगा लूं, ये चाहे बोल हो सकता तरीका गलत हो, बट भाई ये कम से कम सही तो बोल रहा है, वो तो बंदा पिक्चर ही गलत दिखा रहा है, 3.5 स्टार वाली 4 स्टार वाली पे भाई कहां से कैसे कौन सी आंखों से देख रहे हो। पर ठीक है मैं चैनल का क्योंकि नाम नहीं लेता, और उससे होगा भी क्या, सबके अपने अपने ओपिनियन है, बट ऐसा नहीं होता यार, 1.5 स्टार दे रहा है 4 4.5 स्टार दे रहा है, इतना फर्क नहीं होता, वैसे हो भी सकता है, इंटरनेट है भाई, कुछ भी हो सकता है। एनीवेज पैन इंडिया मूवी सूर्या का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे वन का मैं आपको बता दूं 13 करोड़ 14 करोड़ के आसपास है, 300 करोड़ का बजट है, इस मूवी को काफी अच्छा खासा रिकवर करना पड़ेगा सिस्टम पूरा, नहीं तो बहुत भारी नुकसान में जाएगी सूर्या सर की। और उम्मीद ये करता हूं नेक्स्ट टाइम जब सूर्या सर आए तो ग्रैंड मतलब कैनवस इतना ही बड़ा हो, लेकिन कुछ ऐसा भयंकर हो कि किसी से कॉपीड ना लगे, किसी का ऐसा ना लगे कि हम कुछ किसी को प्लीज करने के लिए दिखा रहे हैं या बड़ा बनाने के लिए बड़ा बना रहे हैं। मूवी बड़ी होनी चाहिए, वो लोगों को चाहे छोटी ही हो वो देखने के बाद बड़ी लगनी चाहिए मेरे भाई, ऐसे बड़ी बनाने से बड़ी नहीं होनी चाहिए मूवी। सेम चीज मुझे मार्टिन के लिए भी लगी थी, उतना खराब सिनेमा नहीं है बट नॉट अप टू द एक्सपेक्टेशन और लेवल ऑफ सूर्या सर। ठीक है बाय बाय, 20-25 करोड़ पे आने चाहिए, 100 करोड़ 3 दिन में निकलेंगे तब कुछ बात बनेगी।